आज मैंने बनाया है ये बहुत ही यम्मी सी दिखने वाली मैंगो और नारियल की बर्फी, जो कि क्विक बनकर रेडी हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगे हैं। आई होप इस गर्मी आपके घर में कोई भी गेस्ट डिनर पर आएंगे तो आप उन्हें इस तरह की मिठाई बनाकर ज़रूर सर्व करेंगे। तो चलिए, इस मिठाई की पूरी रेसिपी मैं फटाफट से आगे अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपास किचन। रूपास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम और नारियल की बहुत ही स्वादिष्ट सी बर्फी, जो कि खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी उतनी ही आसान है। तो आइए आम और नारियल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पूरे आम को अच्छी तरह से छील लेते हैं। इसे छीलकर हम अच्छी तरह से इसका पल्प निकालकर हम इसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आम को अच्छी तरह से छील लेंगे। यहाँ पर हमने सफ़ेदा आम यूज़ किया है। आप चाहे तो आप दशहरी या अल्फासो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं होता है। पर हमने आम को बहुत अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे से। और छोटे छोटे से टुकड़े करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, मतलब अच्छा सा इसका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने आम को छोटे छोटे से क्यूब शेप में कट करके रेडी कर लिया है। एक बार मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ। इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैंने पिस्ता ले लिया है और काजू। ये दोनों को मैं बर्फ़ी के गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी शक्कर और यहाँ मैंने ले लिया है एक कटोरी नारियल का बुरादा। यहाँ पर मैंने लिया है 3 इलायची और ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर। अब हम इस पल्प को रख देते हैं साइड में। यहाँ पर हमने ले लिया है एक जार। जार में हम सारे पल्प को ऐड कर लेते हैं। इन पल्प को हम ऐड करके इनका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। प्लस हम यहीं पर ऐड कर ले रहे हैं मिल्क पाउडर को। आप चाहें तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर अगर ना हो आपके घर में तो आप कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका हम बना लेते हैं एक फ़ाइन पेस्ट। यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमें इस तरह का ही फ़ाइन पेस्ट बनाना था। अब हम यहाँ पर इस टाइप का एक छोटा सा ओखली ले लेते हैं और अपने सारे इलायची को इसमें ऐड कर देते हैं और बिल्कुल दरदरा सा कूट कर इसे हम रेडी कर लेते हैं। इलायची डालते ही हमारी बर्फ़ी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर हम सारे छिलकों को बाहर निकाल लेते हैं। सारे छिलकों को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। यहाँ हमने सारी इलायचियों को इस कटोरी में निकाल लिया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में और जो हमने नारियल लिया था एक कटोरी, इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ हम ऐड कर देते हैं नारियल के पाउडर को। ये नारियल का चूरा आसानी से कोई भी मार्केट में, किराने के शॉप में मिल जाता है। आपको अच्छी तरह से इसे भून कर बना सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में नारियल पड़े हो तो आप उन्हें भी कद्दूकस करके उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम नारियल को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी तरह से खुशबू ना आने लगे। फ्लेम को आप लो फ्लेम पर ही रख कर इसे भूनें, नहीं तो ये तुरंत जलने लगता है। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं हमें हमारी नारियल को भूनते हुए और इस नारियल से बहुत अच्छे से खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसे निकाल देते हैं एक प्लेट में। हमने सारे नारियल को इस तरह के एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस आम के पल्प को। इसमें हमने मिल्क पाउडर भी ऐड किया था। अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे भून लेते हैं। इसमें हमने जो शक्कर लिया था वो भी हम ऐड कर देते हैं, ताकि सारे क्रिस्टल्स अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल ना रह जाए कहीं पे। तो जब तक हमारा शुगर अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे लगातार भूनते रहते हैं। यहाँ पर शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं,
तो अब जब तक हल्का सा इस आम का कलर ना चेंज हो जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आम की कलर हल्की सी चेंज हो गई है तो इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमने जो इलायची पाउडर को कूटा था। इसे ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब राइट टाइम आ गया है कि हमने जो नारियल को भून के रखा था वो हम इसमें ऐड कर दें, तो उसे भी अब हम ऐड कर लेते हैं। फ्लेम का आप खास ध्यान रखें, फ्लेम को आप मीडियम लो फ्लेम पर ही रखें। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हम पका लेते हैं। जिस तरह हम बर्फ़ी जमाते हैं ना, जब तक ये उस तरह से जमने ना लगे तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और जब ये बिल्कुल थिक हो जाएगी, बर्फ़ी की तरह जमाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तब हम गैस को कर देंगे ऑफ़। देख सकते हैं कितनी हेल्दी रेसिपी है, ना ही हमने इसमें कहीं भी घी का यूज़ किया है, ना ही हमने कोई ऑयल का यूज़ किया है अब तक। लास्ट में हम थोड़े से घी का यूज़ करेंगे, वो भी हम अपनी बर्फ़ी को जमाने के लिए करेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह जमने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पे ना हम गैस को कर देते हैं ऑफ़ और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। यहाँ पर हमने इस तरह का प्लेट ले लिया है, हम इसी प्लेट में अपने बर्फ़ी को जमाएंगे। तो सबसे पहले हम हल्के से घी से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं ताकि निकालने में ये इजीली निकल जाए। यहाँ हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है इसे घी से। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने जो अपने बर्फ़ी को रेडी किया था। अब इन्हें हल्का सा दबाते हुए पूरे प्लेट में हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। आपको जिस तरह की बर्फ़ी चाहिए हो, पतली या मोटी, अगर आपको पतली चाहिए तो आप पूरे प्लेट में फैला लीजिए, अगर आपको थोड़ी सी थिक बर्फ़ी चाहिए तो फिर आप उस हिसाब से फैलाएं। यहाँ पर हमने अपने बर्फ़ी को आधे प्लेट में जमा लिया है। तो ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसे हम रख देते हैं साइड में। और थोड़े से काजू ले लेते हैं, थोड़े से पिस्ता, यहाँ पर हमने थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ता ले लिया है। इन्हें हम स्लाइस में कट कर लेते हैं। और स्लाइस में कट करने के बाद हम अपनी बर्फ़ी को इनसे ही थोड़ा गार्निश कर देते हैं। इससे हमारी बर्फ़ी का लुक और सुंदर आएगा। खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही और देखने में भी खूबसूरत लगने लगेगी। फिर कट होके रेडी हो चुके हैं लगाने के लिए। बिल्कुल हम इसे मार्केट वाला ही लुक दे देते हैं, जिस तरह से मार्केट में मिलती है ना हमें मैंगो बर्फ़ी, और ये बनी भी वैसी ही है। तो आप बस इसे खाइए और मार्केट वाली मैंगो बर्फ़ी इस गर्मी भूल जाइए। अपने ही घर में बनाइए स्वादिष्ट स्वादिष्ट सी बर्फ़ी और खाइए। अब यहाँ पर हम पिस्ते से भी गार्निश कर देते हैं। इसे हम रख देंगे 30 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। थोड़ी सी बर्फ़ी है इसलिए हम इसे 30 मिनट के लिए रख रहे हैं, और इसकी क्वांटिटी कम है इसलिए जल्दी से जमकर रेडी भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 मिनट पूरे हो चुके हैं हमें अपनी बर्फ़ी को रखे हुए, और ये बहुत अच्छी तरह से जमकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रही है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। आपको जिस शेप में कट करना हो, जो शेप पसंद हो, आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे स्क्वायर शेप में ही कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस तरह की एक बार यमी सी बर्फ़ी बना के खा लेंगे ना तो आप इस बर्फ़ी के फ़ैन हो जाएंगे। आपको ये ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगी आपकी और आपको बहुत पसंद आएगी। अगर इस समर आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है ना, तो आप इस तरह का यमी सा बर्फ़ी बना के अपने गेस्ट को ज़रूर सर्व करें। कि टाइम चल रहा है लॉकडाउन का और लगभग सारे शॉप्स बंद आ रहे हैं, तो हमें जो भी मिठाइयाँ वगैरह खाने हैं वो शॉप्स बंद आ रहे हैं, इस वजह से हम नहीं खा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का यमी सा मिठाई आप घर में बनाएं और अपने गेस्ट को खिलाएं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बहुत ही यम्मी सी मैंगो नारियल बर्फी इंस्टेंट और क्विक बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आपने देखा इसमें कितने कम इंग्रेडिएंट्स लगे और कितने कम इंग्रेडिएंट्स में कितनी टेस्टी सी बनकर रेडी हो गई है हमारी मिठाई। तो इस लॉकडाउन आपके घर में कोई भी आए तो आपको मार्केट से मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंगो और नारियल की बहुत ही यम्मी सी बर्फी बनाइए, अपने गेस्ट को सर्व करिए, उन्हें बेहद पसंद आएगी आपकी ये होममेड मिठाई। फ्रेंड्स अगर ये मेरी पूरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।